आपने ये मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हो आप पहली चीज, तो मेरा ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजना है आया ना? हाँ ठीक है यार, पहली चीज ये कह रहा है। अब उसके बाद में तो यह भाई हाँ ठीक है, अब और कुछ कहना हो तो वो उसके बाद ये हमारी समस्या में इसका निराकरण आप ही। जल्द से जल्द हो सर, 8-10 दिन हो गए सर। 10 दिन पहले तो मैंने लाइव दिखा दी थी, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा पिछले लगभग 1 महीने से है ना, उसका काम चालू हुआ ना जब से पानी नहीं तब से आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। 8 तारीख से पानी नहीं आ रहा, जिस लाइन से पानी सप्लाई हो रही है ना उस लाइन को डेट करा के रोक दिया बता दे अच्छा कितने घंटे में जाए बता दे मोबाइल बता दे उनके पास गए ना जो नहीं जगह से बात कर रहे हैं पानी आ रहा था थोड़ा ही पेट डाल गए वो रिकॉर्डिंग सुना ले रिकॉर्डिंग सुना दे रिकॉर्डिंग सुना दे सर को सुना दे रिकॉर्डिंग किसे क्या क्या बोली हमसे वो नमस्कार प्रदीप जी, ये अर्चना मेरा किस जय है क्या अपने अर्चना मेरा, तो ये अरे समाज बंदी रोड की तरफ क्या है पानी की प्रॉब्लम क्या है ये सुन ले रही उतारे बंद करो गंदे पानी की हो रही है। अच्छा हाँ, तो अपनी तरफ से अच्छा अच्छा, इन लोगों का ये कहना है कि वो तो यार वो आती ही नहीं टाइम पे, इसे टाइमिंग है नहीं ये नहीं, वो आज छुट्टी पे है क्या? अच्छा ये कह रही है कि जो है कि मैं आज छुट्टी पे हूँ। आप सुनो यार ना प्रदीप जी, आप इस जी ठीक ठीक आप है ना एक बार इसको हाँ आप जो है आप दिखवाओ इसको है ना, क्योंकि यार पानी के बिना तो कैसे चलेगा वो, जैसे मान लो वही बात है ना क्या वो खराब आ रहा है फिर 1-2 दिन तक अगर ऐसे चलेगा तो और दिक्कत तो आएगी चालू, और फिर वो चलो तो जिसको भी है ना वहाँ पे एक बार कहो उनको कि इसको बता यार कब तक हो जाए, क्या प्रॉब्लम पता चली या नहीं, और चल गई है तो कितने दिन में हो जाएगा, कितने घंटे में हो जाएगा ना, अब एक बार है ना बताओ। देख रहे हो हाँ आप जो है वो आप इसे जो मेन साहब है ना अभी माधोपुर है मीटिंग में बात हुई थी ठीक है, अब हाँ उनके वहाँ मीटिंग में प्रदीप जी से मिलना सर, उनसे मैं 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मैं अभी बात की है मैंने और मैंने कहा है कि अभी जो है ना निश्चित रूप से मैंने कहा सर टाइम बता दो क्या प्रॉब्लम क्या है और कब तक सॉल्व होगी, दोनों दोनों चीज़ें बता दो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है आप जो है ना ये जैसे अभी वो माधोपुर है तो 5 बजे तक 6 बजे तक आएंगे बात करेंगे, आप कल सुबह मेरे पास 10 बजे आ जाओ एक जना ठीक है ना, अपने देख लेंगे पहले यहाँ देख लेंगे फिर तू ही तो मौके पर चल लेंगे ठीक है ना, ये मैं उम्मीद बात देता हूँ। जब तक मौका नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा वस्तु स्थिति का, पता नहीं चलता भाई ये टेक्निकल वो भी समझ रहे हैं, वो प्लेट लगाई वो तो आता था अपने टंकी से उस पानी की सप्लाई आती थी तो साफ आ रहा था, उसके बाद में ये पंचायत चालू करी और इससे चालू करेंगे वो कीचड़ आने लग गया और उसके पंचायत से मेरे आता है नहीं सब से ही आता है अब आप जो सॉल्यूशन बता रहे हो ना मैं वो सॉल्यूशन क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और एक बार उसको बुला के उसको पूछ सकता हूँ यहाँ पे कि भाई ये चीज बता रहे हैं ये लोग पानी लाए इसकी क्या है इसमें हो सकता है या नहीं है, आप जो है
उसको बोल दिए है, वो कर रहे हैं, और आप में से जो इस सिस्टम पूरी जानकारी रखते हैं, दो आदमी कल मेरे पास 10 बजे यहाँ आ जाना, अपन यहाँ बात कर लेंगे मौके पर, ठीक है ना? नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। चलो आया, मेरे को मालूम है, मैं पहले जा चुका हूँ, पाइप का इतना बड़ा टुकड़ा काट चुके हो। नंबर 28 आर्य समान मंदिर, क्या पास के ये लोग हैं रहने वाले, और लगातार पीने के पानी की समस्या से ये जूझ रहे हैं। पहले भी हम लाइव दिखा चुके हैं वहाँ से पानी वाले, और मैं आपकी बात करवाता हूँ इन लोगों से, काफ़ी लंबे टाइम से ये पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ से हम भी कई बार लाइव दिखा चुके हैं, पहले तो वहाँ गंदा पानी आ रहा था, और उसके बाद में फिर अब वहाँ पानी आ ही नहीं रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, और पीने के पानी की समस्या इन लोगों के सामने आ रही है। मैं आपकी बातचीत करवा देता हूँ। सर कहाँ से आए आप लोग? हम सर अपने आर्य समाज मंदिर के पास से आए हैं। उस लाइन में पहले तो टंकी का पानी आता था साफ, उसके बाद में पंचायत समिति से उसको जोड़ दिया, पंचायत समिति से जोड़ा जब से गंदा पानी आ रहा है, और उसके बाद में उन्होंने जो टंकी का पानी आता ना रामबाग से, उसको वहाँ आगे प्लेट लगा दी, और इधर पंचायत समिति का पानी जाता है, टोटल गंदा जाता है, बिल्कुल भी मुंह में पीने तो दूर, हाथ धोने तक का काम नहीं आता। अभी अभी कितने टाइम से वहाँ से पानी नहीं आ रहा, सप्लाई कितने दिन से नहीं आ रहा? महीने से तो बिल्कुल पानी ही गया, कोई 2-4 बाल्टी आता वो भी गंदा ही आता है। अभी बिल्कुल 1 महीने से कोई पानी नहीं आ रहा उसमें? 8 तारीख से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, और पानी आ रहा है ऐसा आ रहा है जैसे नाली में पानी है ना, उससे लैट्रिन भी नहीं जा सकता। तो फिर अब अभी आपने किसको बोला इस बारे में, शिकायत किसको की थी आपने? मैं इसके लिए AEN JEN XEN तीनों को लेटर दे चुका हूँ 4-4 बार। तो मैंने AEN को फ़ोन करा था, तो AEN ने मुझसे बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद JEN चेक करने आई थी सुबह, वो हमसे कह के गई थी मैं 2-3 दिन में काम करा दूंगी। उसके बाद हम कल ऑफिस गए थे, तो कल उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं नई पाइपलाइन डलवा दूंगी। आज गए थे तो आज इतनी बुरी तरीके से बात करिए, इतनी बुरी तरीके से बात करिए, बोलती है मैं कुछ नहीं करने वाली, मेरा काम जाम नहीं है, और जो करना है तुमको वो कर लो, घर पे खाना खाइए। चलिए अभी एक काम करिए, आप लोग वहाँ चलिए, मैं वहाँ से भी आपका एक लाइव दिखाता हूँ, है ना? आप पहुँचो अपनी जगह पे, मैं वहीं आता हूँ। उनसे मतलब नहीं है, आप लोग तो हैं, कितनी वो ऐसा एरिया है जिसमें गंदा पानी आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, उसकी जगह बैठिए तो उसको करना चाहिए ना ये काम। नहीं वो भेजना आप मेरे को वीडियो, पहले तो मैं खाना खा रही हूँ, 1 घंटे तक हमने बाहर वेट किया आराम से, जबकि उस टाइम 10:30 बज रहे थे, 10:30 बजे खाने का कोई टाइम नहीं होता, 11:30 बजे थे। उसके बाद एक लड़की बाहर आती है, बोलती है खाना खा रही है, मैम आएगी अभी, हमने तब भी वेट किया, फिर मैम के हस्बैंड बाहर आते हैं, वो ऊट पटांग बोलते हैं, बोला कि ये घर पे आने कोई तरीका है क्या, और भी कर्मचारी है उनके घर पे जाओ। तो हमने बोला कि मैम से बात करनी है एक बार, फिर मैम आती है, मैम बोलती है कुछ नहीं करूंगी, जो करना है वो कर लेना, तो मैं छुट्टी पर हूं, और मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग की हुई है हमने कि क्या बोला था मैम ने, क्या नहीं बोला। अब 2 दिन देख रहे हैं हम, उसके बाद हम लाइन तोड़ेंगे, लाइन आज और कल का वेट करेंगे, प्लेट लग रही है ना उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, फूट होती है वो कुछ भी होती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 25 दिन से मैं डेली डोल रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं होता कि मैं ये चक्कर लगाऊंगा इनके, देखो मेरी पढ़ाई करनी होती है, जब भी पानी नहीं मिलता आगे जिम्मेदारी इतने दिनों से बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि पानी मूलभूत आवश्यकता है, आदमी 1 दिन 2 दिन भी नहीं रह सकता पानी के बिना, और ये लोग महीने भर से जूझ रहे हैं इस समस्या से लगातार, पानी व्यवस्था खराब है तो नदी में क्या हाल होगा, और ये टेक्निकल इशू है, इसको जाकर के वहाँ देखना चाहिए, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, और ये पानी की सिचुएशन नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा वहाँ पर, और ये इस तरह का पानी वहाँ आ रहा है, ये हमने पहले भी आप वीडियो भेजा था आप लोगों ने हमको, और हमने दिखाया था अपने चैनल पे कि बिल्कुल डीजल जैसा पानी आ रहा है, जैसे डीजल आता है ना, और बिल्कुल कीचड़ आ रहा है, किस काम का वो आ रहा है अब पीने के लिए यहाँ। और उसकी जगह गद्दी पे आइए, वही तो काम। चलिए ये आप मुझे भेजना, है ना, ये आप मुझे भेजना, यहाँ यहाँ नहीं, ठीक है ना, आप मुझे भेजना, और अभी वहाँ जा करके और देख लेंगे आपकी वहाँ की स्थिति को, और 1-2 दिन में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में नहीं होता, फिर हम कुछ भी करें, पाइपलाइन ही तोड़ेंगे फिर सीधे, वाटर बॉक्स जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जनता की। दोस्तों इस समय मैं वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं आर्य समाज मंदिर के आसपास, और यहां के वाशिंदों ने अभी अभी SDM साहब को ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन देने की सबसे बड़ी वजह थी ये लोग पिछले बहुत टाइम से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं,
पहले गंदा पानी आ रहा था, फिर उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन काफ़ी टाइम दी, और उसके बाद में अब पिछले लगभग 15 दिन से इस कॉलोनी में पानी की सप्लाई हो ही नहीं रही है। और आपको एक बड़ी रोचक बात और मैं बताऊं कि ये वो कॉलोनी है जिसको मैं पहले भी आपको लाइव दिखा चुका हूं कि सबसे ज़्यादा सड़कों की दुर्दशा अगर कहीं है तो वो इसी कॉलोनी में है। आप इस कॉलोनी के किसी भी हिस्से में निकल जाइए, सीवरेज वालों ने और अमृत योजना वालों ने इस पूरी कॉलोनी की सड़कों को खोद करके पटक रखा है, और इतनी दुर्दशा का शिकार है वार्ड नंबर 28 वाला ये एरिया। और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ लगातार जो ये काम चल रहे हैं ना, ये काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहे हैं, एक साथ सभी जगह काम शुरू कर दिया गया है और अब वो काम ख़त्म कहीं नहीं हुआ है, लगातार काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये महिलाएं तो उनकी तरफ आक्रोशित हैं। आइए मुझे बताइए, इधर चलिए आप, ज़्यादा रोल नहीं है सर इसमें, वार्ड मेंबर क्या करेगा, वार्ड मेंबर तो टाइम पे आपके कर्मचारी भी लगा सकता है, लेकिन जब सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सीवरेज वाला और अमृत योजना वाला काम चल रहा है, तो अब इसमें वार्ड मेंबर तो क्या करेगा। अब आप देखिए, यहाँ पहले सीवरेज का काम चल रहा था चैम्बर वगैरह डाल करके, और फिर उनकी कनेक्टिविटी का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया, वो काम पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ, और फिर अगला काम शुरू कर दिया। अभी भी आप देख सकते हैं सड़कों की दुर्दशा और गंदे पानी की जो कंडीशन है ना इस कॉलोनी में, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी कॉलोनी में आप देख सकते हैं हालत क्या है। अच्छा, रात को अंधेरे की कह रहे हैं आप, तो रात के अंधेरे के लिए तो अभी कह भी नहीं सकते। देखिए, उनके घर में थोड़ी सी ट्रेजडी हुई है, ये देखिए सीवरेज की जो लाइनें हैं उनको चैम्बर से कनेक्ट कर दिया गया है, ये काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। दीपेंद्र जी, लाइट तो आ चुकी हैं और 5-5 लाइटें तो लगभग दे ही चुके हैं हर वार्ड मेंबर को, लेकिन अब उनके घर में, वार्ड मेंबर साहब के घर में थोड़ी सी ट्रेजडी हुई है, तो अभी फ़िलहाल उनसे कहना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं होता। अब आप देख लो इसकी सड़कों की हालत देख लीजिए आप, कॉलोनी में क्या है, एक काम पूरा नहीं हुआ उससे पहले दूसरा काम छेड़ दिया पीने के पानी से, और जब से ये खुदाई हुई है ना, जब से ही पानी आना बंद हुआ है। कितने टाइम से? ये 15 दिन 20 दिन हो गए साहब पानी आए, 2 लाइन डली हुई है, एक राइजिंग लाइन डली हुई है, एक पुरानी पाइपलाइन, दोनों में पानी नहीं आ रहा, और जो पुरानी में आ रहा है उसमें गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। आप सवेरे आके देखिए, हम बताएंगे आपको कितना। अच्छा, अभी अभी आप लोग बता रहे थे ना पानी है रखा हुआ है, ये जबरदस्ती गटर में होकर दे दिया नल का कनेक्शन, अब गटर में जाएगा पानी। अच्छा, एक जोरदार बात ये बता रहे हैं, टूटेगा ये पाइप तो सबके लैटरिंग का पानी नीचे आएगा के, हां पाइपलाइन में, हां पानी पाइपलाइन में, ये बंद करा दो, बंद और करके वो बोल रहे पानी का, पानी का भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा। नहीं, इसमें इसमें हुआ क्या ये तो बताओ, पानी का पाइपलाइन है इसमें, अब जो टूटेगा ना गलेगा, लेटरिंग का पानी आएगा और पाइपलाइन में लेटरिंग का पानी जाएगा, इसी ने दे दिया वो पानी, इसी के अंदर है, इसके अंदर है, दोबारा नहीं खोद रहे हैं, दोबारा ये कह रहे हैं इसी में है वो पानी की पाइपलाइन, ये इसी में ही है, इसकी फोटो बना रखी हमने अंदर की पाइप की, पहले नीचे की देख लो, ऊपर की फिर देख लेंगे। आपकी कॉलोनी में है क्या? ढक्कन हटे नहीं रहा है, उससे हटेगा, उससे हटेगा, लॉक होता है इसका, वो पानी दिखाओ पानी। अब आप यहाँ नालियों की कंडीशन देखिए, नालियाँ बिल्कुल लबालब भरी हुई हैं, और इस खोद के चले गए जाओ। अब देखो ये एक जगह खोद खाद के और वो यहाँ से चले गए, और इन लोगों का कहना था कि सामने यहाँ बड़ा गड्ढा था और हमको ही भरना पड़ा, 2 दिन हो गए, वो लोग कल भी काम पे नहीं आए, कल भी नहीं आए और आज भी नहीं आए, और वो लोग आज भी काम पे नहीं आए। हाँ, हॉस्पिटल का मुख्य रास्ता है, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि राजकीय अस्पताल को जाने वाला मुख्य रास्ता है, और उसकी ये कंडीशन। नाली में से चला के
पानी में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो कैसा पानी आ रहा है ये देखिए आप। टिकिया का पानी तो नहीं है ना? नहीं 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 बिल्कुल है ना, वही तो आश्चर्य की बात है। लैट्रिन के चैम्बर के अंदर नल भी है, लैट्रिन के जो चैम्बर बन रहे हैं। हाँ हाँ वो बता रहे थे अभी कि अभी इस तरह का यहाँ काम हो रहा है। पूरी कॉलोनी की कंडीशन देख लीजिए आप इसकी, आप चल तक नहीं सकते इसमें, पैदल निकल नहीं सकते इस पूरी कॉलोनी में, यह हालत है। और ये देवी स्टोर से राजकीय चिकित्सालय को जाने वाला मुख्य रास्ता है, ये पूरा रास्ता है आप देख सकते हैं क्या हालत है इस रास्ते की। लोगों को दुकानदारों को खुद सफाई करनी पड़ती है इस पूरी कॉलोनी में, यह है सबसे बड़े अफसोस की बात। तो कहीं भी आप चले जाओ आपको 1% भी कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां से आदमी सुकून से निकल सके इस पूरे रास्ते में होके। आज 15 दिन से ग्राहक नहीं है इनकी वजह से, तो कुछ पैड से चल जाते हैं। यहाँ सीवरेज का काम तो हो गया ना कंप्लीट? हो गया, हो गया। आगे से चालू है, यही कचरा पटका, ये कचरा सब किसी वजह से उठाया कुछ नहीं गया ना, कोई सफाई की गई है सारी नाली काम कर दी। अरे मंदिर है, सैकड़ों आते हैं यहाँ पर, लेकिन आए तो कैसे, रास्ते की हालत खराब है। मंदिर के सामने ये दफा